Tell me why you still love me. Why do you love me? Hello, namaste, what's up, KM Chow, main hoon Jay and welcome to my YouTube channel Infinity Customs. तो गाइज आज फाइनली चार साढ़े चार महीने के बाद मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। लास्ट ब्लॉग मैंने शूट किया था मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का, जिसमें मैं सेकंड टाइम में पास हो गया हूँ, और तब मैंने बताया था कि मैंने एक मौका पॉट लिया है। तो चलो अभी मैं आपको कॉफी बना के बताता हूँ। पीनी है तो आ जाना घर पे, कभी भी पिला भी दूंगा। अभी फिलहाल बाहर मेरे घर पे अक्षत बैठा है। तो सबसे पहले मौका पॉट में मैं दूध भरूंगा। हाँ, दूध नहीं भरना होता, गर्म पानी भरना होता है, मगर मैं थोड़ा अलग हूँ। दूध भर भी दिया है और नीचे बहुत सारा गिर भी गया है वीडियो शूट करने के चक्कर में। तो ये जो मौका पॉट में हम कॉफी बनाते हैं उसको कहते हैं ब्रूइंग, यानी उसमें ना इंस्टेंट कॉफी नहीं यूज होती। ये जो कॉफी पाउडर होता है, कॉफी बीन्स का जो पाउडर, वो हमें यूज करना होता है। हम लोग अभी जाने वाले है रेस ट्रैक पर, जो चेन्नई में MMRT है वहां नहीं जा रहे, मगर दिल्ली में जो BIC है ना, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, वहां पर भी नहीं जा रहे हम लोग। जा रहे हैं शॉर्ट करके एक एम्यूजमेंट पार्क जैसा है, गो कार्ट राइडिंग का है एक सर्किट, वहां पे अभी हम लोग जाएंगे और बाइक चलाने वाले हैं। व्हीट पिलियन 250 मैंने सिलेक्ट किया था, अभी देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो वो लोग सबको RC 200 ही देने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बाइक अभी अभी नहीं लॉन्च हुई है। तो अभी हम फटाफट निकल गए कॉफी पीने के बाद। तो इसमें मैंने पाउडर शुगर डाल दी है जब तक हमारी कॉफी रेडी होती है। तो ये बस कॉफी आ रही है ऊपर धीरे धीरे, एकदम एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनने वाली है, कलर से मालूम पड़ गया है। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। ये भाई ने उधर का हेलमेट पहना हुआ है और ये भाई ने उधर का चीन माउंट लगाया हुआ है। बाकी सब लोग पब्लिक अंदर पहुंच गई हमारे बिना। तो गाइस अभी हम लोग अंदर पहुंच गए और ये सब है कल्प्रिट लोग, जो हर बार हम लोग को बोलते हैं कि हाँ भाई टाइम पे आ जाना, और खुद टाइम से जल्दी आ जाते हैं और पब्लिक अंदर चली जाती है। हाँ तो 8:30 को आए और 8:30 उनको चले गए। हम लोग यहाँ पे 8:40 तक आ गए थे सिंधुपुर रोड पे। अरे भाई बंद खाने यार, वीडियो शूट चले यार। हाँ, चार महीना पछी हूँ ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस हिला देते ये लोग। तो ये गाइस ये है शॉर्ट का ट्रैक। आई होप मुझे इंस्टाग्राम में किसी और की फुटेज मिल जाए तो मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा। और ये बाइक से मैंने तो व्हीट पिलियन सिलेक्ट करी थी, यहाँ पे स्वाट पिलियन है, और दूसरी अगर बाइक चलानी हो तो वो भी चला सकते है। तो अभी ट्रैक वॉक हो रहा है, हम सब रेकी करने जा रहे हैं कहाँ पे कैसी स्पीड में चलाना है, कैसे बाइक कंट्रोल करना है। मगर एक साथ बहुत सारे लोग हैं यार। क्या आपको थोड़ा सा उधर से आना है अंदर, ये हम इसको एपेक्स कहते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट होता है ये एपेक्स होता है। हिटिंग द एपेक्स, एपेक्स यहाँ हिट करना है और यहाँ से गैस आउट करके बाहर। ये क्या यार, केविन बार बार बीच में आ रहा है। कॉर्नर को एपेक्स कहते हैं। सो जय सबसे पहले टेस्ट राइड ले रहा है। सो दिस इज हर्ष वर्मा स्वॉट पिलियन एंड हियर वी गो।
भाई एक्शन कैम का माइक बिगड़ गया है, तो अब से ऐसे ही वॉइस ओवर करना पड़ेगा मोस्टली हर एक मोटो व्लॉग्स में। सबसे पहले मैंने ये बाइक चलाई तो देखने में तो बहुत एग्रेसिव है, मगर चलाते टाइम एकदम निम्बल थी, इजीली टर्न में ले पा रहा था। और 250 सीसी की बाइक है ये, जिसमें 30 bhp पावर है। और क्या है ना, ट्रैक में बहुत टाइट टर्न्स थे और लेंथ भी छोटी थी, इसके लिए क्या मैं ज़्यादा पुल नहीं कर पाया, मोस्टली फर्स्ट या सेकेंड डे में चला रहा था। और उसी की वजह से थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं पे टर्न लेते टाइम ब्रेक्स नहीं लगी या कंट्रोल नहीं कर पाया तो घुस ना जाऊँ, तो ऐसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मैं बाइक नहीं चला पाया दोनों में से एक भी। तो अभी मैंने चलाया था स्मार्ट विलेन, जो मतलब KTM की लाइनअप में सबसे छोटी है और मेरी हाइट के हिसाब से वो बहुत छोटी लग रही थी। और अभी मैं लाइनअप में जो सबसे बड़ी बाइक है यानी डायमेंशंस में एडवेंचर 390 वो चलाने वाला हूँ। अभी एक हमारा फ्रेंड है वो गया है, जैसे वो आएगा वैसे मैं जाऊँगा और मेरे बाद मैं जाऊँगा। यस एक्साइटेड, सही में मैं बहुत दिल से इच्छा है कि ये सब में से मैं सब वो लूँ, बट इट्स वेरी कॉस्टली, बट कोई नहीं, देखेंगे नसीब होगा तो कभी ना कभी चलेंगे। और क्या स्मार्ट विलेन जो है वो एकदम मतलब थोड़ी एग्रेसिव टाइप की थी, और ये जो है एडवेंचर 390 उसमें एकदम रैली स्टाइल में चलाना पड़ेगा, यानी जो राइडिंग स्टाइल है वो ही एकदम डिफरेंट होगी। तो मैं देखता हूँ अभी चला के। तो सेकेंड बाइक मैंने चला ये एडवेंचर 390, जिसमें 43 bhp है और ऑलमोस्ट 3.5 या 4.25 लाख रुपए के आसपास की बाइक है ये, महंगा सौदा है ये। और ये भी बहुत कंफर्टेबल थी चलाते टाइम, पॉस्चर तो एकदम ही अच्छा रहता है इसमें। अगर आपकी हाइट थोड़ी अच्छी हो लाइक मी तो सिटी में भी आपको एक प्रॉब्लम नहीं देगी, बस एवरेज थोड़ी कम आएगी इसमें, मगर चलाने में तो एकदम मज़ा आएगा। अगर आपको ऐसा है कि हिमालयन के साथ कंपेयर कर रहे हो और बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप एक बार इसकी भी टेस्ट राइड लेके आइए। तो गाइस बहुत ज़ोरदार मज़ा आ गया और टैनिंग का एक लेवल भी बढ़ गया, जैसे फेयर एंड लवली में नहीं होता वो ऐसे गोरे से काला काला काला, ऐसे हम सब थोड़े अरे उल्टा बोल दिया मैंने फेयर एंड लवली में होता है ना काले से थोड़ा थोड़ा गोरा, वैसे हम अभी थोड़े थोड़े गोरे से काले हो गए। और बहुत ज़ोरदार रील्स भी बनाई है, दो काले हैं पर दिल वाले। और मैंने तो दो ही बाइक चलाई, बाकी इसने भी 3-4 चलाई, पास ने 3 चलाई, रुद्र ने सारी बाइक खींच दी। ये तो छोड़े ही नहीं, मेरे को तो लगा बाइक ही ऐसे घर लेके जाएगा। और अक्षत ने सिर्फ एक ही चलाई, मैंने जो है ना सबसे छोटा बच्चा चलाया और सबसे बड़ा बीस्ट मेहमत चलाया एडवेंचर 390, मजा आ गया। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। एक बात बता, जय तूने हस्कवर्मा चलाई ना, हाँ तो वो सबसे छोटी कैसे हुई? यू 200 सबसे छोटी, मगर ऐसे पॉकेट रॉकेट डायमेंशंस में सबसे छोटी, और मेरी बॉडी में भी मतलब मैं एकदम जाइंट लग रहा था उसके ऊपर इसके लिए। तो चलो, बी शेक चिली ड्रीम इनफाइनाइट एंड वर्क फॉर इट।